दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और कुछ खिलाड़ियों को जगह मिली है और कुछ को नहीं। हम आपको उनके नाम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि फरवरी में भारत की टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पर चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। भारतीय चयनकर्ताओं ने पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम का ऐलान किया है। विराट कोहली एक बार फिर कप्तान के तौर पर वापसी कर रहे हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच खेलने के बाद कोहली पितृत्व अवकाश लेकर टीम से बाहर हो गए थे। उमेश यादव, हनुमा विहारी और मोहम्मद शमी चोट के कारण टीम में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी शॉ को खराब फॉर्म के कारण टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं किया गया है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। हाल ही में ईशांत मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए हैं। वहीं भुवी ने भी मुश्ताक अली में खेलकर क्रिकेट के मैदान पर वापसी की थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में शामिल नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में डेब्यू करने वाले टी नटराजन को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पहले दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। हार्दिक पांड्या को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार्दिक को भारतीय टीम में नहीं चुना गया था। जसप्रीत बुमराह पहली बार भारत में टेस्ट मैच खेलते हुए दिखाई देंगे और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा। KS भारत जो कि विकेट कीपर हैं, अभिमन्यु ईश्वरन, शाहबाज नदीम, राहुल चंद्र को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। टीम की पूरी प्लेइंग 11 ये है: विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रिद्धिमान साह, हार्दिक पांड्या, KL राहुल, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, अश्विन, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत।